जैसे ही चैलेंज शुरू हुआ बहुत तगड़ी वाइट के साथ शंकर जी शुरू हो चुके हैं। देखते हैं कितना आगे तक जाते हैं शंकर जी आज। और शंकर इस बड़ी बाइट के साथ थोड़ा पानी ज्यादा ले रहे हैं और बाइट तो दोनों लोग एकदम बड़ी बड़ी लगाए हैं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने अंडा बिरयानी लगी हुई, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है अंडा बिरयानी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। और यह चैलेंज कैसे लगेगा आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अंडा बिरयानी लगी हुई है, तो आज हमारा अंडा बिरयानी ईटिंग चैलेंज है। और यह चैलेंज जो है कुंभकर्ण थाली ईटिंग चैलेंज है। और इस चैलेंज में दो बाहुबली दो शेर चैलेंजर उतर चुके हैं, तो देखते हैं दोनों चैलेंजरों में विनर कौन होता है। जो भी विनर होगा उसको मिलेगा 1100 रुपये का पुरस्कार। तो देखते हैं ये कुंभकर्ण थाली कितने मिनट में ये लोग खाली करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अंडा बिरयानी का कुंभकर्ण थाली का चैलेंज लगा हुआ है और इस चैलेंज में बैठ चुके हैं दो एकदम बाहुबली। और इन बाहुबलियों में जो सबसे पहले अंडा बिरयानी की ये थाली खाली करेगा उसे 1100 रुपये का नगद पुरस्कार मिलने वाला है। तो पवन जी टाइमर चालू कर दीजिए और देखना है कि सबसे पहले कौन विनर होता है। शुरू हो जाइए भैया। और 2 किलो अंडा बिरयानी है और साथ में रखा गया है सलाद। तो देखते हैं दोनों चैलेंजरों में सबसे पहले कौन फिनिश करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और जैसे ही चैलेंज शुरू हुआ बहुत तगड़ी बाइट के साथ शंकर जी शुरू हो चुके हैं। देखते हैं कितना आगे तक जाते हैं शंकर जी आज। और शंकर इस बड़ी बाइट के साथ थोड़ा पानी ज्यादा ले रहे हैं और बाइट तो दोनों लोग एकदम बड़ी बड़ी लगाए हैं, लेकिन इस बाइट का परिणाम क्या निकलता है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। और कितना आगे तक जाते हैं दोनों चैलेंजर। बहुत गजब। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दो शेर बैठे हुए हैं, तो ये देखिए बिरयानी पे शेर ही रहते हैं कि सवा शेर हो जाते हैं। जो सवा शेर होगा, सवा शेर आज साबित होंगे दोनों चैलेंजर। और जो सवा शेर होगा वही 1100 रुपये का इनाम ले जाएगा। बहुत गजब। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मोहम्मद यासीन जी बहुत ही भयंकर ढंग से बाइट उठा रहे हैं और अंडे का पता नहीं चल रहा है किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। और अभी जैसे शंकर जी को देख रहे हैं, अभी शंकर जब भयंकर होते हैं तो अच्छे अच्छे का छक्का छूट जाता है और भयंकरता की मिसाल भी एक बन जाती है। और आज देखते हैं कितना भयंकर वाला रूप दिखाते हैं शंकर जी। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। दोनों चैलेंजर एकदम धैर्य पूर्वक बहुत ही मस्ती से इस चैलेंज को स्वीकार करके और बहुत ही तूफानी गति से अंडा बिरयानी खा रहे हैं। और इस गति को अगर बरकरार रखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों लोग बराबर उतर जाएंगे। और शंकर जी खाने से ज्यादा पानी पे फोकस कर रहे हैं। जल ही जीवन है शंकर, बताना चाहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के साथ सब बने रहिए। बहुत बढ़िया। और देखते हैं आज दोनों चैलेंजरों में कौन फर्स्ट आता है। बहुत गजब। और शंकर बिरयानी कम खा रहे हैं पानी ज्यादा पी रहे हैं, और क्योंकि तीखा जरा सा भी शंकर से चलता नहीं है, हमको लग रहा है थोड़ा बहुत तीखा लग रहा है शंकर को। और इस तीखापन को दूर करने के लिए पानी का आनंद ले रहे हैं। अपना स्टाइल है। ओह, मतलब तीखा नहीं है, ये अपना स्टाइल है बोल रहे हैं। बहुत गजब। और इस स्टाइल को अगर बरकरार रखेंगे तो जीत आपके पक्ष में जा सकती है। और यहीं पर मोहम्मद यासीन भी शंकर से कम नहीं है बल्कि सवा शेर वाला काम करने वाले हैं। तो देखिए मोहम्मद यासीन की तरफ जो है बाजी पलटती है कि शंकर की तरफ बाजी पलटती है। अभी 2.5 मिनट हुआ है और आधे से ज्यादा इन लोगों की प्लेट खाली हो चुकी है। देखते हैं कितने समय में ये लोग कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और बहुत बहादुरी के साथ दोनों चैलेंजर उतरे हुए हैं। और करीब करीब बरोबर ही चल रहे हैं। चार अंडा इनके पास है। दोनों लोगों के पास चार चार अंडा बचा हुआ है। दोनों लोग चार चार अंडा लेके बैठे हुए हैं और चार चार अंडा खा लिए हैं। और ये चार चार अंडा समाप्त हो चुका है, चार अंडा बचा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और बिरयानी लगभग लगभग शंकर जी की वसीम से ज्यादा समाप्त होती नजर आ रही है। और दोनों लोग धैर्य पूर्वक खाएंगे तभी इनाम पाएंगे। अगर ज्यादा फुर्ती दिखाएंगे तो अंडा फंस सकता है। हाँ, और अंडे में हड्डी नहीं होती है इसलिए जुर्माना नहीं है आज। हाँ, आज जैसे मर्जी खाएं। हाँ, बहुत ध्यान से देख रहे हैं यासीन जी शंकर जी के प्लेट को, देख रहे हैं कि बिरयानी ज़्यादा भागती नजर आ रही है और हमारे प्लेट में ज़्यादा भी उभरती नजर आ रही है। तो ये देखिए कट्टम कुट्ट मार दिए हैं, मतलब नहीं चाह रहे हैं यासीन जी। एक्सल पावर लगाएंगे तो एक सेकंड में
कवर कर लेंगे, बहुत बढ़िया। और उस एक्सेल पावर की अब आवश्यकता आ रही है, और अगर एक्सेल पावर दोनों लोग दोनों चैलेंजरों में कौन लगाता है और कौन इनाम की राशि पाता है। और आज शंकर कोई भयंकरता नहीं दिखा रहे हैं, बहुत ही मस्ती से जो है लग रहा है खा रहे हैं, हरा देंगे। और इस धैर्य पूर्वक भयंकरता नहीं दिखा रहे, लेकिन बाइट इनकी देखिए बहुत खतरनाक वाली है, बाइट तो बहुत खतरनाक है। और जो फार्मूला पानी वाला लगाए हमको लग रहा है वो ज्यादा फार्मूला है इनका। उस बाइट को अगर देखेंगे तो मोहम्मद यासीन का भी जो है बाइट कम नहीं है, लेकिन मोहम्मद यासीन आज एकदम पूरी तरह से टेस्ट लेके बिरयानी खा रहे हैं, दोनों लोग खा रहे हैं टेस्ट लेके कोई। और यहाँ पर शंकर थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से हमको लग रहा है साबुत मसाला कोई आ गया था, क्या दिक्कत हुई शंकर जी? साबुत मसाला ही आ गया था, बहुत गजब। और देखना है टुकड़ा था हमको लग रहा था उसको लीलने की कोशिश कर रहे शंकर। अब ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यासीन शंकर को पीछे करने में नाकाम होंगे। शंकर अब डकार ले चुके हैं, डकार का मतलब एक परत जम चुकी है और दूसरी परत के लिए यहाँ पर टक्कर कर रहे हैं। और यासीन जी भी समझ चुके हैं कि आज शंकर जी जीत गए तो जीत गए, इसलिए अब थोड़ा सा हमको लग रहा है ठंडे पड़ गए हैं। नहीं मोहम्मद यासीन जी पावर नहीं लगा रहे हैं पवन जी, ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यासीन जी शुरू से ही एकदम टेस्ट लेके नहीं शंकर जी को देख के आज घबरा गए हैं, इसलिए एक्सेल पावर नहीं लगा गए हैं। और यासीन जी आज डेढ़ अंडा इनके पास भी है, डेढ़ अंडा इनके पास भी है, दोनों लोगों के पास डेढ़ डेढ़ अंडा है, लेकिन बिरयानी यासीन जी के पास है और शंकर जी के पास आज बिरयानी नहीं बची है। उठक बैठक लगाना पड़ेगा, अभी अंडा अंदर नहीं जा रहा है और इस अंडे की ये उठक बैठक करना चाह रहे हैं। और ये देखिए अंडा बहुत बहुत ही भयंकर ढंग से जो है अंदर मुंह में डाले हैं, डेढ़ अंडा खा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कमर कसे हैं, फिर भी जो है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सोच रहे हैं यासीन जी थोड़ा सा फुर्ती लगाए तब एक्सेल पावर लगाए तब हम खाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और इस कोशिश को मद्देनजर रखते हुए अब जगह बनी है, जगह बन गई है और अब शंकर जी पूरी तरह से सीट पे संभाल चुके हैं और मोहम्मद यासीन एकदम मस्ती से बिरयानी का आनंद लेते हुए पानी का आनंद लेते हुए एक अंडा बचा के रखे हैं। और आज शंकर जी 100% अपना एक्सेल पावर लगाए और यासीन जी को पीछे कर दिए हैं, बहुत गजब। और यासीन जी की आज शंकर जी की स्पीड देख के यासीन जी खुद चैलेंज में ढीले पड़ गए हैं। और ऐसा लगता है कि जब शंकर आते हैं तो एक मजा सा क्रिएट हो जाता है। और इतनी बड़ी थाली खाली करना ही बहुत बड़ी बात होती है और शंकर जी ने भी आज कुंभकर्ण थाली को खाली कर दिया है। बात मजा आया कि नहीं? ज्यादा तीखी तो नहीं थी बिरयानी? बता रहे हैं तो यहाँ पर शंकर जी जीत हासिल कर चुके हैं। 4 मिनट थोड़ा सा है अभी अभी इसी से हारने वाले थे, लेकिन अभी यासीन जी कहे कि हम बहुत सफाई से खाए हैं उसमें हार जाओगे इसलिए उसको भी खाली कर दो ना। तो और शंकर जी पूरी तरह से 7 मिनट 28 सेकंड में कुंभकर्ण थाली को खाली किए हैं, तो शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और इनको इनाम की राशि कैश देते हैं। और यासीन जी एक अंडा और थोड़ी सी बिरयानी से हार चुके हैं, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर जी आए हौसले दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं। हाथ धो लीजिए भैया, भाई कोई दिक्कत नहीं, तो हाथ धो लीजिए इनाम ले लीजिए। तो शंकर जी आए हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और इनको इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर शंकर जब भी आते हैं तो लगभग लगभग जीत हासिल कर ही लेते हैं। तो पैसा मिल गया भैया पूरा है ले। तो यासीन जी आज ओवर जो खड़े होकर के एक्सेल पावर नहीं लगाए इस वजह से हमको लग रहा है आज पीछे रह गए, क्या वजह रही यासीन जी आप पीछे रह गए आज? आज कुछ तबीयत नरम है। हाँ तो जब चैलेंज हार जाते हैं तो इनकी तबीयत नरम हो जाती है, हार के बाद सब ऐसे बोलते हैं। मतलब शंकर भी आ गए उस तर्ज पे कि हार के बाद वास्तव में जो हारते हैं कुछ न कुछ बहाना जरूर बताते हैं। तो दोनों लोग आए हौसला दिखाए, दोनों लोगों का धन्यवाद करते हैं और इस चैलेंज को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।